हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज फिर से एक होम डीआईवाई जो आपके हेयर प्रॉब्लम्स के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक सीरम, वो है आपका फ्लैक्स सीड्स के साथ। ठीक है, फ्लैक्स सीड्स जो अलसी के बीज होते हैं। तो आज जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपने लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होम डीआईवाई, वो है अलसी के बीज से। ठीक है, तो अलसी बेसिकली क्या बेनिफिट करता है आपके बालों को? तो सबसे मेन है कि आपके जो बालों को प्रोटीन ये बहुत अच्छा देता है। तो इसको हम बॉईल करेंगे पहले थोड़ा सा, लाइक हम इसे बहुत लो फ्लेम पर थोड़ा इसको बॉईल करेंगे जब तक कि ये थोड़ा स्टिकी फॉर्म में ना आ जाए। और स्टिकी फॉर्म में भी ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल ही लाइक यू नो बहुत देर तक पका दो, क्योंकि ये गरम गरम ही आपको लगेगा थोड़ा कि ये थोड़ा ना जेल बेस में आ रहा है। ठीक है, तो आपको तभी इसको छान देना है, क्योंकि आपको इसे गरम गरम ही छानना है। अगर आपने इसे ठंडा कर दिया बनने के बाद तो ये छनेगा नहीं। ठीक है, तो आप इसे गरम गरम ही छानेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी देखिए मैंने इसको छान दिया है गरम गरम, और ये देखिए काफी स्टिकी फॉर्म में ये है अभी। अगर ये ठंडा हो जाता तो ये छनने में भी नहीं आएगा। अलसी के बीज में बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके बालों को हेल्दी और स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली आपके ड्राई स्कैल्प हो जाती है उसके लिए बहुत हेल्प करता है, आपके बालों को मॉइस्चर देता है, जो फ्रिजीनेस हो जाती है उसमें आपको बहुत हेल्प करता है, बालों का झड़ना कम करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये आपको हेल्प करता है। इसमें मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड किया है। आप इसमें चाहें तो आप इसमें कोकोनट ऑयल मिला सकते हैं, या फिर आप इसमें कैस्टर ऑयल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सरसों का तेल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो इसमें ऐड किया है एक विटामिन ई का कैप्सूल, और जो मैंने अपना होममेड हेयर ऑयल प्रिपेयर किया हुआ है मैंने थोड़ा सा इसमें वो ऐड किया है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी हो जाए। आप अगर इसमें नहीं ऑयल ऐड करना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, बट ट्राई करो कि इसमें एक आप कोई भी ऑयल इसमें मिक्स करो। ठीक है, तो अभी ये हमारा कम्प्लीटली देखिए एक सीरम बन के हमारा रेडी हो गया है, और ये थोड़ा सा जेल बेस है, ये काइंड ऑफ एक पैक है जो आप इसको लगाएंगे हेयर्स में। तो आप इसको थोड़ा रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे, जैसे कि आपने वीक में एक बार लगाया या फिर आपने 2 बार लगाया, तो आप इसको अगर कंटिन्यू लगाएंगे तो आपके बालों में जो फ्रिजीनेस हो जाती है, जो बेकार से हो जाते हैं बाल, काफी ड्राई हो जाते हैं, वो इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं इसे 1 आवर के लिए अभी अप्लाई करूंगी, उसके बाद वॉश कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।